नमस्कार। चास पुलिस ने आज 8 साइबर अपराधियों को एक होटल के कमरे से किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि यह गिरोह लंबे समय से बोकारो वासियों को झांसा देकर अपना शिकार बना रहे थे। पुलिस के हाथे चढ़े इन अपराधियों में एक महिला भी पकड़ी गई है, जो पकड़े गए अपराधियों में एक की पत्नी है। आपको बता दें कि ये वही 8 चेहरे हैं जो लोगों को पल भर में कंगाल बना देते थे। इन लोगों के गिरोह में सभी के जिम्मे अलग अलग काम बटा हुआ था। किसी का काम फर्जी कागजात के आधार पर बैंक में खाता खुलवाना, सिम लेने वालों का नंबर पता कर नया शिकार ढूंढना, अपनी फर्जी वेबसाइट के जरिए बड़े कंपनियों के डीलरशिप दिलाने से लेकर कई तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाकर कंगाल बना देते थे। गिरफ्तार अपराधियों में विजय उर्फ वीरेश, आत्मानंद उर्फ शंभु, गौरव कुमार, पिंटू कुमार, अविनाश आनंद, राजमणि, कुणाल कुमार, अनीता कुमारी शामिल हैं। इनके पास से पुलिस को 4,17,000 नकद, 19 मोबाइल, 19 सिम कार्ड, विभिन्न बैंकों के एटीएम, 7 पासबुक के अलावा एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद किया गया है। इन अपराधियों के बारे में क्या कहते हैं एसडीपीओ चास पूनम मिंज व चास थाना प्रभारी, कैसे करते थे ये लोग पल भर में मालसा? बताओ भाई बताओ। अरे ठीक है, कर तो बेरोजगार आदमी करवे करोगे, ठीक है, कैसे करते थे? नहीं सर, हम एटीएम कोई बोला कि हमें पैसे जोड़े थे, तो हम बोले भाई ये काम करते हैं, तो उनको मैं खुला के दे दूँ। तो मतलब केस ट्रांसफर कर देते, बदले में क्या मिलता था तुमको? 5,000 रुपए मिलते। कल दिनांक 6 फरवरी को ये सूचना मिली कि चेक पोस्ट के पास होटल यमुना कैशल में कुछ साइबर अपराधी, जिनके पास की बहुत सारे बैंकों के एटीएम और मोबाइल फोन है, और ये कुछ योजना बना रहे हैं। सूचना पाकर चास थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं गश्ती दल वहाँ पर गए, और होटल के दो कमरे 206 और 407 पे लोगों ने बताया कि इस कमरे में लोग ठहरे हुए हैं, जो एक स्कॉर्पियो से आए हैं। रूम को चेक करने पे पता चला कि वहाँ पे एक महिला समेत कुल 8 अपराधी वहाँ पे कुछ योजना बना रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और उनके कमरे की तलाशी लेने पर वहाँ से कई बैंकों के एटीएम, पासबुक और मोबाइल फोन ये बरामद किया गया, इसमें और सिम। इसमें से एक अपराधी जो कि सोनभद्र यूपी का है, ये मुख्यतः बैंकों के पासबुक, एटीएम और सिम लोगों मुहैया कराने का काम करता था, और इसमें एक आत्माराम उर्फ शंभू नाम का अपराधी है, जिसकी पत्नी भी इसमें संलिप्त है। ये अपने रिश्तेदारों के माध्यम से साइबर ठगी का काम करता था, और एक अविनाश नाम का अपराधी है, जिसका कि एक भाई, ये भी एक साइबर अपराधी है, और ये जमशेदपुर के जेल में बंद है। ये जो अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, इनमें से कुछ लोग पैसा निकालते थे, कुछ जाली दस्तावेज बनाकर बैंकों में अकाउंट खोलने का काम करते थे। राशि कितना मैडम? राशि लगभग 4,17,700 रुपये है, और विभिन्न बैंक के पासबुक हैं ये 7 हैं, एटीएम है 18, और चेकबुक है 7, और मोबाइल है जिसमें से कुछ एंड्रॉयड है और कुछ कीपैड है, उसमें 19 है, सिम कार्ड 19, और एक सोने का चेन भी मिला है। इन लोगों के साथ और अपराधियों की आशंका है क्या? आशंका है मूलतः ये लोग कहाँ के रहने वाले लोग हैं? मुख्यतः ये एक अपराधी है यूपी का, सोनभद्र का, और बाकी सब बिहार के हैं। बोकारो में कितने दिनों से सक्रिय थे ये अपराधी? ये 2 से 3 साल से सक्रिय थे अलग अलग जगह में। ये भारत के विभिन्न राज्यों जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल, गुजरात, यूपी, इन सब राज्यों में ठगी का काम करते हैं। बोकारो में इतनी ठगी है क्या मैम? बोकारो में इन गिरोह के द्वारा ठगी की हुई एक डिटेल। अच्छा, ये बताया जाए कि जिस तरीके से अपराध करते थे, जिस तरीके से लोगों को शिकार बनाते थे, फांसते थे, इन लोगों ने इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली है, कहाँ से इनको ट्रेंड किया जा रहा है इस तरह के अपराध के लिए? अनुसंधान के क्रम में ये सब बातें सामने आएंगी, क्योंकि कोई ट्रेनिंग कॉलेज तो होगा जहाँ से ये ट्रेंड हो रहा है। इनका संबंध जामताड़ा गिरिडीह से है क्या? कुछ उससे कनेक्शन है, जामताड़ा कनेक्शन? अनुसंधान के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे।
हम लोग एक केस के सिलसिले में अनुसंधान के दौरान गुप्त सूचना मिली तो साइबर अपराधकर्मी जमुना कैसल होटल में ठहरे हुए हैं जो कि साइबर अपराधी हैं और साइबर ठगी की है। एक टीम बनाकर वहां रेड करवाया गया, इन लोगों को अरेस्ट किया गया। पूछताछ के दौरान इन लोगों के पास से सारा एटीएम कार्ड, मोबाइल, पासबुक, कैश रिकवर हुआ और इन लोगों ने पूछताछ के दौरान ये भी बताया कि यहां से भी ये लोग चीराचास के एक व्यक्ति हैं, उनका पैसा ये लोग जावा मोटरसाइकिल का एजेंसी दिलाने के नाम पर 8 लाख समथिंग उड़ाए थे और बेरमो थाना क्षेत्र से भी बेरमो में जावा मोटरसाइकिल का एजेंसी देने के नाम पे वो 17 लाख रुपया करीब वहां के बैंक से उड़ाए थे। ये लोगों ने कन्फेस किया और इन्वेस्टिगेशन में भी आया है कि जो अकाउंट यूज हुआ था वो इन्हीं लोग के द्वारा ऑपरेट किया गया था। सर उस केस में तो सोनभद्र का एक दो अपराधी पकड़ कर जेल भी गए हुए हैं। हाँ, जो एक जेल गए हुए हैं, एक और पकड़ाए हुए हैं, वही उन्हीं के एसोसिएट्स हैं सारे।